नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय देहरादून में हूँ। एक डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में मैं देहरादून आया हुआ था, लेकिन पिछले हफ्ते से मीडिया में कुछ खबरें चल रही हैं, कुछ इस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं शक्तिमान को लेकर, जो कि नहीं उड़ाई जानी चाहिए। तो उन अफवाहों से रूबरू होने के बाद मुझे लगा कि शक्तिमान की जो सच्चाई है, जो उसके अभी के हालात हैं, उनके बारे में मेरे को थोड़ा आप सभी को बताना चाहिए। तो शक्तिमान अभी पहले से काफ़ी बेहतर है, बीच बीच में वो खड़ा भी होता है, 3 से 4 घंटे खुद अपने पैरों पर खड़ा रहता है। और इसके अलावा 3 से 4 डॉक्टरों की टीम है जो पूरे 24 घंटे यहाँ पर रहती है शक्तिमान की देखभाल के लिए। स्वास्थ्य है उसमें काफ़ी सुधार आया है, लेटे लेटे जो उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव हो गए थे, वो घाव पूरी तरह से भर चुके हैं और पहले से काफ़ी स्वस्थ है और अपने खुद ही अपने 3 पैरों पर खड़ा हो पाता है, फिर 4थे पैर पर भार भी लेता है। बहुत जल्द ही डॉक्टर जैसे कह रहे हैं कि 40 से 45 दिन में वो एकदम फिर से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और दौड़ तो नहीं पाएगा लेकिन चल जरूर पाएगा। शक्तिमान को लेकर किसी भी तरह की अफवाह से बचिए और सिर्फ जो भरोसेमंद चैनल्स हैं, भरोसेमंद अखबार पत्रिकाएँ हैं, उन्हीं के माध्यम से खबरों को पढ़िए और उन्हीं को देखिए, क्योंकि शक्तिमान एक जानवर है जिससे आज तमाम लोग उससे जुड़े हुए हैं, तमाम लोगों की भावना उससे जुड़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी अफवाहें लोगों को उड़ाई जानी चाहिए, क्योंकि एक जानवर जब ऐसी लड़ाई लड़ रहा है तो सभी लोगों को उसके साथ खड़े होकर उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि ऐसी अफवाहें उड़ानी चाहिए।